हेलो बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, काइनेटिक एनर्जी की बात की। वहां हमने ये कहा था कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, इट मे बी योर ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी फोर्स है, दैट सिंपली चेंजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। क्या कहा था हमने, व्हेन वर्क इज डन ऑन ए बॉडी इट सिंपली चेंजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी। और हम ये बात पहले बढ़कर आए हुए हैं कि फोर्सेस दो तरह की हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। आज मुझे डिस्कस करना है पोटेंशियल एनर्जी। कहने को तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, एवरीवेयर इट इज रिटन दैट एनर्जी पोजेस्ट बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन और कॉन्फिग्रेशन। तो चलो पहले लिख लेते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी व्हाट इज दैट, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन और कॉन्फिग्रेशन। राइट बच्चा जी, पोजीशन और कॉन्फिग्रेशन, आइदर पोजीशन की वजह से हो या कॉन्फिग्रेशन की वजह से। पहली बात, पहली बात, पहली बात, मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी जो है, एनर्जी पोजेस बाय द बॉडी, बाय द बॉडी। अब ये जो डेफिनेशन लिखी है, इट हैज वेरी ब्रॉड मीनिंग। इट इज नॉट सो सिंपल जो लिखी है मैंने, इट हैज वेरी ब्रॉड मीनिंग। किस तरह से, पहली बात तो ये बचा कि ये बॉडी की नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज ऑफ ए सिस्टम। नंबर वन, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज ऑफ ए सिस्टम। ये सिस्टम की होती है बच्चा जी, बॉडी की नहीं होती। पहली बात, पहली बात, पहली बात। अब जब ये सिस्टम की है, एवरी सिस्टम हैज इट्स सम इंटरनल एनर्जी, उसको बोलते हैं कॉन्फिग्रेशनल एनर्जी बोलते हैं, या उसको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी बोल देते हैं। व्हेन सिस्टम डज वर्क, अब जब सिस्टम काम करता है तो क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। मान लो अभी एनर्जी थी 50 जूल, अब एनर्जी रहेगी 40 जूल, देन व्हाट इज डिफरेंस, 10 जूल, अगर सिस्टम काम करेगा। सेकेंड थिंग, वी ऑलवेज मेयर, वी ऑलवेज कैलकुलेट और मेयर एक ही बात है। हाँ जी, क्या कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कि अभी पोटेंशियल एनर्जी उस स्टेट की कितनी है, और अगर उसने सिस्टम ने कुछ काम कर दी है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं बच्चा जी। सिंपल पोटेंशियल एनर्जी कभी कैलकुलेट नहीं करते। क्या कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। सेकंड बात, सेकंड बात, मैंने क्या कहा, इट हैज ए वेरी ब्रॉड मीनिंग। नंबर वन, इट इज नॉट ऑफ ए बॉडी, इट इज ऑफ ए सिस्टम। सिस्टम की कुछ अपनी स्टेबल्स मींस कुछ एनर्जी है, दैट इज नोन एज द कॉन्फिग्रेशनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। जब वो सिस्टम काम करता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी मींस कॉन्फिग्रेशनल एनर्जी, और यू कैन यूज द वर्ड पोटेंशियल एनर्जी, कम हो जाएगी। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। नंबर थ्री, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज येट नॉट डिफाइंड, अभी तक डिफाइन नहीं कर पाए, येट नॉट डिफाइंड। ये तीन बातें आपकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में है। नंबर वन, ये सिस्टम की होगी बच्चा। नंबर टू, हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मेजर करते हैं और डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी मेजर करते हैं। नंबर थ्री, एब्सोल्यूट वैल्यू हमें नहीं पता आज भी। लो जी, अब जब सिस्टम की बात की मैंने, सिस्टम की बात की, थोड़ा सा बताना पड़ेगा।
यू से कि मैंने बॉडी को नीचे से ऊपर उठा के रख दिया, इट एक्वायर्स पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच, हम यही कहते हैं हमेशा। सपोज करो आपके पास एक अर्थ बॉडी सिस्टम है, अर्थ बॉडी सिस्टम, हाँ जी बच्चा जी, अर्थ बॉडी सिस्टम, राइट। इसमें क्या होगा, ये आपकी अर्थ है, सपोज ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर यहां एक आपने बॉडी पकड़ी हुई है, दिस इज योर बॉडी एंड दिस इज योर अर्थ, राइट बच्चा जी। अब क्या होता है, व्हेन यू रिलीज इट, एक दूसरे को दोनों अट्रैक्ट करती हैं, इसमें भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इसमें भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इसका साइज बहुत बड़ा है, इसका मास बहुत ज्यादा है, इसका एक्सेलरेशन मुझे नजर ही नहीं आता, इसका नजर आता है सिर्फ। सो दैट्स व्हाई आई से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी, अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की है ये। इस सिस्टम की कॉन्फिगरेशन देखो, ऊपर से नीचे, इस सिस्टम की कॉन्फिगरेशन चेंज हो रही है। अब यहां पर वर्क डन बाय द सिस्टम है या वर्क डन ऑन द सिस्टम है, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इज इट क्लियर? ऐसे ही अगर आप स्प्रिंग और ब्लॉक की बात करते हो, ये आपके पास एक स्प्रिंग है और ये एक ब्लॉक है, जब आप इसको कंप्रेस करते हो, ये ब्लॉक आपका ब्लॉक डू नॉट गेट डीफॉर्म्ड, ब्लॉक ऐसे डीफॉर्म नहीं होता कभी भी, बिकॉज ब्लॉक इज वेरी हार्ड। तो आप क्या कहते हो, इसमें डीफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है, तो आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इस स्प्रिंग की बोल देते हो, हालांकि पूरे सिस्टम की है ये, नॉट ऑफ स्प्रिंग, पूरे सिस्टम की है ये। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज ऑफ ए सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी कभी बॉडी की नहीं होगी, हमेशा सिस्टम की, क्योंकि वो एक अलग चीज है कि हमें वो एक बॉडी में नजर आ रही है, तो हम उस बॉडी का जिक्र कर देते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट रेस्ट पे है, इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। डिफॉर्मेशन कहां है, सिर्फ आपके स्प्रिंग के अंदर है, तो वी से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग नॉट ऑफ द ब्लॉक, हम ये कह देते हैं, लेकिन है ये पूरे सिस्टम की, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर देख लो, आपसे कोई डाउट हो, यही तो रीजन है कि हम क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई जैसे बोलते हैं ना एक वो है एरो एंड बो है, मींस तीर कमान है, आप ऐसे पकड़ते हो, ड्यू टू कॉन्फिगरेशनल एनर्जी ऑफ द बो आपका जो एरो है दैट मूव्स फॉरवर्ड। आप पहले, अब तो चलो सारी घड़ियां सेल की आ गई, हमारी वॉच सारी वॉच वगैरह सेल से चलती हैं, पहले रिस्ट वॉच जो है वो मैकेनिकल सिस्टम से चला करती थी, उसमें हम स्प्रिंग को, उसको चाबी बोलते थे कि चाबी भरना, हम उसको स्प्रिंग को वाउंड किया करते थे रात को, या जब भी हमने टाइट आफ्टर एवरी 24 आवर्स उसको वाउंड करते थे, टाइट करते थे, वो उस पूरा दिन रीवाउंड होता था या अनवाउंड होता था, और आपकी हैंड्स ऑफ क्लॉक को चलाया करता था वो। इज इट क्लियर बच्चा जी, कोई डाउट है उसके अंदर आपको? मैंने बॉडी उठाकर ऊपर रख दी, अब उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इसको छोड़ोगे तो अपने आप नीचे आ जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी है ये, दैट इज ड्यू टू हाइट मीन्स पोजिशन है, जो मैंने स्प्रिंग की बात की है दैट इज ड्यू टू कॉन्फिगरेशन है, जो मैंने बो वाली बात की है अगेन दैट इज ड्यू टू कॉन्फिगरेशन है। तो एनर्जी कैन बी ड्यू टू कॉन्फिगरेशन और ड्यू टू पोजिशन, दोनों से हो सकती है, राइट बच्चा। अब इसको और आगे चलाते हैं, यहां तक क्लियर है, और आगे चलाते हैं, अभी मैंने कुछ नहीं शुरू किया पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपका, अभी तो जस्ट बता रहा हूं मैं व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी है, क्या कहां यूज करनी है, कैसे यूज करनी है। अब मेरे पास एक बॉडी है, सपोज कर लीजिए ये एक बॉडी है, दिस बॉडी पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, और मैंने ऊपर को लगा दिया, मींस बॉडी ऊपर को मूव कर रही है। व्हेन दिस बॉडी मूव्स अप, व्हाट इज हैपनिंग, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही बात है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल और ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजेस इट्स मोशन, अपोज कर रही है अभी, और अल्टीमेटली यहां जाके बॉडी रुक गई है। बॉडी मोमेंटरली रुकेगी और साथ साथ नीचे आना शुरू कर देगी। अब यही फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसकी मोशन को फेवर करेगी और इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करेगी। जब यहां आएगी वेलोसिटी सेम होगी जिस वेलोसिटी से आपने इसको फेंका था, मान लो वी से फेंका था, वी से वापस आ जाएगी। लेकिन यह वेलोसिटी वी से कब वापस आएगी, अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, या आप ये कह लो मैंने एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया है और ये मैं मान के चल रहा हूं जिस वेलोसिटी से गई थी उसी वेलोसिटी से आ गई बॉडी। नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, तो जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, यहां जाकर जब स्टॉप हो गई है
पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी है क्या चीज आपकी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई है किसकी है, ये बॉडी की नहीं है, अर्थ बॉडी सिस्टम की है। बी केयरफुल, अर्थ बॉडी सिस्टम की। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ बॉडी का ध्यान रखता हूं, अदरवाइज अर्थ बॉडी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है ये। अब उसी फोर्स ने, इसी फोर्स ने आते हुए इसकी मदद की है। तो जब जाते हुए यही फोर्स उस एनर्जी को कंज्यूम कर रही थी, आते हुए उसी फोर्स उस एनर्जी को द्वारा बना दिया। व्हाट इट मींस, व्हाट आई एम सेइंग, जाते हुए इस फोर्स ने उस एनर्जी को कंज्यूम किया, देखो एक नई शेप दे दी, और आते वही फोर्स क्योर कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा जी? हां जी, क्या हो गया इसका मतलब? आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो मेरे टॉपिक का नाम था मैकेनिकल एनर्जी, MECHANICL, मैकेनिकल एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट रिमेन्स कंजर्व्ड। लेकिन कब कंजर्व है भैया, कब है कंजर्व? अगर मैंने सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की है तब कंजर्व है, ये कंडीशन है साथ में। ये पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट सिंपली MGH, वो नहीं है सिर्फ, बहुत कुछ है इस एनर्जी के अंदर। मैंने क्या कहा, मैंने एक बॉडी है जिसकी यहां पर काइनेटिक एनर्जी है, ऊपर फेंकी मींस एरो दिखा दी, ऊपर जा रही है, जाते हुए यही फोर्स उसको कन्वर्ट कर रही है पोटेंशियल के अंदर, आते हुए यही फोर्स उसको रिकन्वर्ट कर रही है काइनेटिक में। मींस टोटल एनर्जी मींस मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, चेक कर लो सेम आ रही है। यहां पर काइनेटिक थी, काइनेटिक कम होती रहेगी, धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ती रहेगी, बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, काइनेटिक कम हो रही है, काइनेटिक जीरो, सिर्फ पोटेंशियल बन गई है। वापस आ रहे हो, पोटेंशियल कम हो रही है, काइनेटिक बढ़ रही है, पोटेंशियल काइनेटिक, काइनेटिक मैक्सिमम, काइनेटिक पोटेंशियल जीरो। इट मींस टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, मींस मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। और ये कब कंजर्व है, अगर मैं सिर्फ इस फोर्स की बात कर रहा हूं, अगर यहां पर आपके पास रेजिस्टिव फोर्सेस आ गई तब ये कंजर्व्ड नहीं होगी। तो यहां से एक चीज निकल गई है, क्या? पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। कि ये तभी बात करूंगा इसकी मैं जब मेरे पास फोर्सेस कंजर्वेटिव होगी, और यू कैन यूज द वर्ड, वी कैन टॉक ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ओनली इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर हमारी फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं तभी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। इज एन एट्रीब्यूट, ATRIBUTE, एट्रीब्यूट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, और वी आई कैन यूज द वर्ड पोटेंशियल एनर्जी विल बी यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट विद कंजर्वेटिव फोर्सेस। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? तो पहली बात तो ये एनर्जी हर जगह नहीं होगी, सिर्फ वही होगी जहां कंजर्वेटिव फील्ड होंगे या कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगी, वहीं पर ये फोर्सेस बनेंगे। कोई डाउट हो? पहले तो आपको बेसिक डेफिनेशन में कोई डाउट हो पोटेंशियल एनर्जी की? नंबर वन, ये बॉडी की नहीं है, सिस्टम की है। नंबर टू, हम कभी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मेजर करते हैं। नंबर थ्री, पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू हमें आज तक नहीं पता, हम सिर्फ सपोज कर लेते हैं कि चलो अभी इसको मान लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ना टेम्परेचर मेजर करना है, हमने क्या लिया हुआ टेम्परेचर के लिए, कि भी जीरो आइस पॉइंट को जीरो मान लो, बॉइलिंग पॉइंट को 100 मान लो, हमने माना ही तो है, और क्या किया? अदरवाइज सुनना, ये हमने एक स्केल बनाई भी, चलो इसको जीरो मान लेते, कहीं से तो शुरू करेंगे, यहां से जीरो शुरू कर लो आप, तो वहां भी हम डिफरेंस मेजर करते हैं टेम्परेचर का। हम वहां टेम्परेचर डिफरेंस मेजर करते हैं, किसके कंपैरिजन में? आइस के कंपैरिजन में मेजर करते हैं डिफरेंस। वहां पर भी हमने आइस वाले को जीरो माना है, लेकिन यहां तो पता ही नहीं जीरो किसको माने, तो यहां हम सिर्फ डिफरेंस मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू हमें नहीं पता। नेक्स्ट, ये जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने ये बताया आपको, अगर मेरी फोर्स ग्रेविटेशनल जाते हुए काइनेटिक को पोटेंशियल बना रही है, आते हुए पोटेंशियल को काइनेटिक बना रही है, टोटल एनर्जी को कंजर्व कर रही है, तो अगर मेरी जो फोर्स है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है और फील्ड मेरे पास सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड है, देन एंड ओनली देन आई कैन टॉक ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि अगर यहां पर रेजिस्टिव फोर्सेज आ जाएंगी तो वेलोसिटी द्वारा वो नहीं आएगी जो थी आपकी, तो मींस मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी की जब बात करनी है तो दैट इज ऑलवेज इन कॉन्टेक्स्ट विद कंजर्वेटिव फोर्सेस। कोई डाउट हो बच्चा? चले आगे। अब मुझे एक छोटी सी इसकी थ्योरम करनी है, दैट इज वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम।
एक छोटी सी थ्योरम करनी है, दैट इज वर्क, जैसे मैंने किया था ना वर्क काइनेटिक एनर्जी, तभी मैंने कहा था कि बुक्स में उसको एनर्जी लिखा हुआ, लेकिन मतलब ये है बेसिकली वहां पर, इसलिए मैंने वहां कहा था व्हाट इज योर वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम, वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम, राइट बेचार जी, मैंने ये थ्योरम पढ़नी है इसकी, वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम पढ़नी है, ये पढ़नी है बच्चा मुझे, व्हाट दिस थ्योरम सेज। हां जी, कंजर्वेटिव फोर्सेस डज पॉजिटिव वर्क ऑन अकाउंट ऑफ या एट द कॉस्ट ऑफ, की बात ऑन अकाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, ऑन अकाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, ठीक है जी, राइट देख लो, जब आप ऊपर जाते हो व्हाट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस MgH, तो आपने कहा कि यहां इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है, ये पॉजिटिव वर्क कब करती है, नीचे को करती है, उस समय एनर्जी कम होती रहती है, यही तो लिखा मैंने, कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन अकाउंट ऑफ या एट द कॉस्ट ऑफ, कर दो वर्ड दैट विल बी प्रॉपर वर्ड, एट द कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, चेक कर लो, अब ये तो सारा पढ़ रहे हैं पीछे हम, लेकिन अब मुझे इसको भाषाएं देनी है, अब मुझे उनको यू कैन से एक्सप्लेन करना है, सो व्हाट इट मींस, हां जी क्या मतलब हो गया, डब्ल्यू कंजर्वेटिव, क्या मतलब बन गया बेटा यहां से, डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स बराबर है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू कर दूं, काइनेटिक को के से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल को हम यू से डिनोट करेंगे धीरे धीरे, कोई डॉक्टर डेफिनेशन के अंदर अभी करके देखते हैं थोड़ा सा, ये लो जी, वो कहता है आपके पास एक स्प्रिंग है, आपने कहा ये एक स्प्रिंग है और मैंने इसको जो है ये ओरिजिनल लेंथ है इसकी और मैंने इसको यहां तक कंप्रेस किया हुआ, यहां तक इतना कंप्रेस किया हुआ स्प्रिंग को, अगर मैं इस कंप्रेशन को थोड़ा सा रिलैक्स कर दूं, थोड़ा सा कम कर दूं, तो आपका स्प्रिंग लेस एक्टिव हो जाएगा, मींस व्हाट इट मींस, इस पोजीशन में और मैं इसको यहां ले आऊं, इस पोजीशन में ये ए है और ये बी है, ए पोजीशन में उसकी रीबाउंस करने की पावर ज्यादा है और बी पोजीशन में कम हो जाएगी, तो इट व्हाट इट मींस कि आपने जो रिलैक्स किया किसकी कॉस्ट पे किया, इसकी अपनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की कॉस्ट पे किया रिलैक्स मैंने इसको, आर यू गेटिंग मी, मैंने कहा स्प्रिंग है उसको ऐसे प्रेस कर रखा आपने, हल्का सा हाथ हटाओ तो रिलैक्स हो गया, राइट अब जब रिलैक्स हो गया तो क्या हुआ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है, इट मींस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज ऑलवेज एट द कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं अगर वो काम कर रही हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी को बॉडी की कम करेंगी वो, सेम वे आपने कहा एक बॉडी थी, आप यहां ले गए बॉडी को, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, आप बॉडी को यहां लाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की कम हो जाएगी, और ये नीचे को लेकर आएगा, आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे लेकर आएगी, तो व्हाट इज डब्ल्यू स्प्रिंग, पहले तो डब्ल्यू स्प्रिंग कितना काम करता है, डब्ल्यू स्प्रिंग भाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, ठीक हो गया जी, ऐसे ही डब्ल्यू ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, चेक कर लो बच्चों जी, कि चाहे आप स्प्रिंग फोर्स की बात करो चाहे आप ग्रेविटी की बात करो, दोनों ही केसेस में आपका जितना भी काम होगा वो एट द कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, मींस अगर आपकी बॉडी कंजर्वेटिव फोर्स ने काम किया है तो आपकी बॉडी की, ये मान के चलो आपकी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, डिक्रीज हुई है, कोई डाउट हो बच्चों यहां तक आपको, कोई डाउट हो बच्चों यहां तक आपको, देखो इसको, लो जी प्रॉब्लम करते हैं, ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स कितनी है भाई जी, एफ इज इक्वल टू 2x, सच दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 10 जूल एट x is equal to 1 meter, ठीक है, फाइंड
इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर. ये काम करना भी मुझे, ठीक है बच्चा जी. नाउ व्हाट इज माय वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या कहती है? डब्ल्यू कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस यू एफ माइनस यू आई. डेल्टा यू मीन्स चेंज फाइनल माइनस इनिशियल. कोई डाउट हो बच्चों? फोर्स कौन सी है मेरी? कंजर्वेटिव. पहले तो वर्क डन का फॉर्मूला लगा लें. व्हाट इज डब्ल्यू कंजर्वेटिव इज इक्वल टू लिमिट एक्स वन टू एक्स टू एफ डी एक्स, राइट. व्हाट इज एफ? टू एक्स डी एक्स. लिमिट आपकी वन से लेकर टू तक इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा बच्चा जी, वन से लेकर टू तक. तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 जूल का काम किया भी आपकी कंजर्वेटिव फोर्स ने. पहली बात, पहली बात मुझे इसको ऊपर पुट करना है. व्हाट इज डब्ल्यू कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस यू एफ प्लस यू आई. कितना आया भाई ये? 3 जूल इज इक्वल टू माइनस यू एफ निकालना है, प्लस कितना है बच्चा जी? ये 10 जूल. व्हाट इज यू एफ? कितना आ जाएगा इधर आके प्लस का उधर जाके? तो ये जूल हटाओ बेटा, नहीं तो कंफ्यूज करेगा ये. दैट इज इक्वल टू 7 आ गया, मीन्स जूल आ गया. कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो उसके अंदर देख लो. यू एफ आपका इस साइड आ गया और 3 आपका उस साइड चला गया, तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7. कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में मैंने इन द एक कंप्लीट लेक्चर है हमारा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए. अभी तो फोर्स मेरी अलोंग एक्स एक्सिस है, तो दैट विल बी कंजर्वेटिव. अगर टू डायमेंशन की बात होगी फिर चेक करना पड़ता मुझे. अब एक क्वेश्चन टू डायमेंशन का कर लेते हैं, ठीक है बच्चा. लो इसी को कर देते हैं बस. फोर्स कितनी है भाई? सपोज कर लो आई कैप प्लस जे कैप सच दैट इट्स पोटेंशियल 10 जूल एट कहां है जी? ये 0.1 के ऊपर. फाइंड पर एट 3.4 पे निकालनी है मान लो. चलो ऐसे कर देते, ठीक है जी. देख लो भाई, अब पहली बात तो ये है बच्चा जी, मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरी गिवन, मतलब अगर तो लिख रहा है वर्ड कंजर्वेटिव फिर तो चेक करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर लिखे वर्डन बाय ए फोर्स तो चेक कर लो क्या वो कंजर्वेटिव है भी या नहीं है. लेकिन चलो आपको मैं वैसे बता देता हूं, अगर आपने लेक्चर नहीं सुना हुआ कंजर्वेटिव फोर्स का तो क्या होता है बेटा जी? व्हाट इज एफ? आई कैप एफ एक्स प्लस जे कैप एफ वाई. तो मेरे केस में क्या है? एफ एक्स कितना बन जाएगा हमारे केस में? 1. और एफ वाई भी क्या होगा? 1. तो कंडीशन क्या है बेटा उसकी? डी एफ एक्स बाय डी वाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. डी एफ वाई बाय डी एक्स ये भी 0 आ जाएगा. दोनों बराबर आ रहे हैं 0 0. इट मीन फोर्स कंजर्वेटिव. दिस इज मेथड. वो लिख भी रहा है कि बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो लेकिन चलो मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया. तो पहले तो मैं डब्ल्यू कंजर्वेटिव निकालूंगा बच्चा. क्या होता है वो? आर वन टू आर टू एफ डी आर क्या बन जाएगा? वो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई. लिमिट एफ एक्स कहां से लेकर? 0 से लेकर 3 तक. एफ वाई कहां से लेकर? 1 से लेकर 4 तक. व्हाट इज एफ एक्स? 1 है बेटा जी. तो क्या बन जाएगा ये? डी एक्स लिमिट 0 से लेकर 3 तक प्लस डी वाई लिमिट 1 से लेकर 4 तक इज इक्वल टू डी एक्स का एक्स बन जाएगा बच्चा जी 0 से लेकर 3 तक प्लस डी वाई का वाई बन जाएगा बच्चा जी 1 से लेकर 4 तक. तो ये सॉल्व करके 3 माइनस 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 माइनस 0 प्लस 4 माइनस 1. तो ये 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 जूल आ गया. अब यहां आ जाओ बच्चों जी. W कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस यू एफ प्लस यू आई. कितना आ रहा बेटा ये? 6 जूल इज इक्वल टू 6 सॉरी नॉट जूल, जूल तो बात रख देंगे ना. माइनस यू एफ प्लस 10. तो व्हाट इज यू एफ? 10 माइनस 6 4 जूल आ गया. अगर ये 3 डायमेंशन में होंगी तो आपके 3 बन जाएंगे वेरिएबल. क्या दिक्कत है? कोई डाउट हो बच्चों आपको? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में कोई डाउट हो बच्चों आपको? देख लो चलें आगे. लो जी एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या निकालना है बच्चा जी? एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है भाई मैंने.
लो जी एक बॉडी है, इसको उठाकर ले जा रहा हूँ मैं हाइट एच के ऊपर, हाइट एच पे, राइट बच्चा जी? वेट काम कर रहा है नीचे को, मैं जा रहा हूं ऊपर को, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज डब्ल्यू कंजर्व, कितना आ रहा है बच्चा जी? वो एम जी इंटू एच आ रहा है, चेक कर लो। कंसिडर, अब वो लिखेंगे तो सब कुछ हम, कंसिडर बॉडी ऑफ मास एम, ठीक है ना, बींग शिफ्टेड फ्रॉम ग्राउंड लेवल ओवर हेयर, तो वट इज वर्क डन एम जी एच। अगर मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो सपोज कर लूं ग्राउंड लेवल के ऊपर, यू जीरो, ये सपोज कर रहा हूं मैं, देन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम, हाँ जी, क्या मेरी थ्योरम कहती है वो? ये कहती है वो, डब्ल्यू कंजर्वेटिव बराबर है माइनस यू एफ माइनस यू आई, ये मेरी थ्योरम कहती है भाई। और आराम से उल्टा कर लो इसको, यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव। यू आई मैंने इनिशियल को जीरो सपोज कर लिया है, और यहां पर इसको नाम दे दिया मैंने यू एच, ये निकालनी है अभी मैंने, ये निकालनी है, तो यहां पुट कर दो, क्या आ जाएगा यहां से फिर, यू एच माइनस यू जीरो इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव, और यू एच माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस, और ये आया मेरे पास माइनस एम जी एच, यू एच इज इक्वल टू एम जी एच, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए हम एकदम एमजीएच बोल देते हैं, ये कारण है उसको एमजीएच बोलने का हमारा। लेकिन बकायदा प्लस माइनस साइंस सारे लगाने के बाद हम सीधा एमजीएच बोल देते हैं विदाउट बॉदरिंग कि क्या माइनस हुआ था, क्या प्लस हुआ था, किसने काम किया, अब सीधा एमजीएच बोल देते हैं उसको। अब न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा, ये आपका ग्राउंड लेवल है बच्चा, एक आपने चेन पकड़ी हुई है ऐसे, दिस इज अ चेन, ऐसे पकड़ी हुई है एट ए हाइट एच, ठीक है जी। सेकंड केस में आपने ये चेन पकड़ी हुई है, चलो ऐसे कर देते हैं, ये चेन पकड़ी हुई है ऐसे, राइट, और थर्ड केस में चेन आपकी ऐसे जमीन के ऊपर लेटी हुई है। तीनों केसेस में मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, इसके मास एम है, यहां भी मास एम है, तो फर्स्ट केस एम जी एच, सपोज ये लेंथ एल है, तो सी जी कहाँ काम कर रही है, एल बाई टू पे काम करेगी बच्चा जी, तो व्हाट इज एम जी एल बाई टू, हाइट एल बाई टू होगी, और यहां पर जीरो, चेक कर लो बच्चा। तीनों केसेस में आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताई है मैंने, ये ऐसे करो, इसको लेंथ बढ़ा लो इसकी, एच लेंथ एच कर दो इसकी, और इसकी भी लेंथ ऊपर बढ़ा दो, इसको भी एच कर दो, ताकि वो कन्फ्यूजन सा थोड़ा सा ना रहे, तो नाउ व्हाट विल बी दिस, एच बाय टू, तो दिस इज योर एम जी एच बाय टू, ठीक है बच्चा, यहां पर जीरो हो जाएगी। अब एक और केस है मेरे पास, ये मेरे पे एक हेमिस्फेयर है सपोज कर लीजिए, और ये आपका ये लेंथ ऑफ चेन है मेरी, वो ऐसे पड़ी हुई है बच्चा जी, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां तो मास वेरिएबल है, यहां तो मेरे यूनिफॉर्म था तो एच बाई टू, अब यहां कैसे निकाल लूं मैं? सपोज कर लो इसकी रेडियस आर है, इसका मैंने छोटा सा पोर्शन सपोज किया जिसकी लेंथ कितनी है, डी थीटा है, मास ऑफ दिस पोर्शन, मास ऑफ दिस पोर्शन कितना बनेगा, टोटल लेंथ एम मान लेते हैं, टोटल मास एम मान लेते हैं, अपॉन सिर्फ ये पोर्शन है, तो क्या हो जाएगा, ये मास प्रिंट लेंथ आ गया बच्चा जी, चेक कर लो, दिस इज पाई आर, दिस इज पाई आर बाई टू, तो चेन यहां से लेकर यहां तक है सिर्फ, तो व्हाट इज लेंथ ऑफ चेन, पाई आर बाई टू, सारी का मास एम है, इतनी सी छोटी सी का मास इन टू आर डी थीटा, क्या बन गया ये, टू एम बाई पाई इन टू डी थीटा, ये डीएम आ गया छोटे से पोर्शन का मास, छोटे से पोर्शन की पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास डीएम क्या बन जाएगी बच्चा जी, 2m अपॉन पाई इंटू डी, ये मास आ गया इंटू जी, व्हाट इज हाइट, इसकी हाइट तो ये सपोज ये थीटा मान लो, ठीक है जी, ये रेडियस है, अब ये हाइट है, तो ये आर साइन थीटा बन जाएगा ये कंपोनेंट मेरा बच्चा जी, चेक कर लो आप, क्योंकि इस ट्रायंगल का नॉर्मल है ये इसका हाइपोटेन्यूज है, इंटू आर साइन थीटा,
चेक कर लो मेरा बच्चा जी, कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको। मुझे पूरी चेन का यहां से अगर यहां तक निकालना है तो क्या बन जाएगा ये, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन ऑफ द चेन जीरो से लेकर पाई बाई टू तक, क्या आ जाएगा ये, टू एम अपॉन पाई इंटू जी इंटू आर इंटू साइन थीटा डी थीटा। चेक कर लो बच्चा जी, टू एम अपॉन पाई ये आ गया, जी आर साइन थीटा, ठीक है जी, इधर कर लेते हैं इसको। तो जी पी ई इज इक्वल टू टू एम जी आर बाय पाई, साइन का क्या होता है जी इंटीग्रेशन, माइनस कॉस थीटा जीरो टू पाई बाई टू, साइन का माइनस कॉस बनेगा, ठीक है ना जी। तो क्या जाएगा ये, टू एम जी आर अपॉन पाई माइनस कॉस पाई बाई टू, ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, कॉस ऑफ जीरो तो वन आ जाएगा यहां से, तो यही आंसर बन जाएगा बस। टू एम जी आर पाई इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट मास। चेक कर लो बच्चों इसको, आराम से चेक कर लो इसको भी आप। एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इसकी बात करनी है बच्चा मुझे जी, अब इसकी बात करनी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। सपोज कर लो ये एक स्प्रिंग है, ये इसकी अनस्ट्रेच्ड पोजीशन है, मैंने क्या किया इसको खींच दिया, कहां तक, अप टू डिस्टेंस x तक खींच दिया मैंने इसको, आउटर से आउटर x है डिस्टेंस, ये क्या वर्क डन निकालना है मुझे। स्प्रिंग वाले आर्टिकल में कर चुका हूं और मैं एक आर्टिकल भी किया था पीछे वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, वो भी कर चुका हूं मैं। व्हाट इज डी डब्ल्यू, क्या होता है बच्चा जी, एफ डी एक्स होता है। व्हाट इज टोटल वर्क डन डब्ल्यू एफ डी एक्स, हां जी क्या बताया था आपको, अगर स्प्रिंग फोर्स से निकालना है तो वैल्यू आएगी स्प्रिंग फोर्स की कितनी होती है, माइनस के एक्स होती है, माइनस के एक्स डी एक्स, कहां से कहां से, जीरो से लेकर एक्स तक, ये बन जाएगी माइनस के एक्स स्क्वायर बाय टू लिमिट जीरो टू एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस जीरो बाय टू, सॉल्व करके आ जाएगी बच्चा जी ये माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस हाफ, दिस इज डब्ल्यू स्प्रिंग, चेक रखना ये स्प्रिंग फोर्स है भाई, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हाफ के एक्स स्क्वायर, ये वर्क डन आया है। व्हाट इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम मींस वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम, W कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस यू एफ माइनस यू आई। अब मान लो जब ये अनस्ट्रेच्ड था इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी जीरो, अब मानना ही पड़ता है रेफरेंस, मैंने पहले बता चुका हूं कि रेफरेंस तो मानना पड़ेगा आपको, पुट कर दो यहां पर, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू एफ और ये प्लस क्या करेंगे जी, जीरो मान ली मैंने, ठीक है जी, अब यू एफ को नाम दे दो, व्हाट इज यू एफ, हाफ के एक्स स्क्वायर, उसको नाम दे दो एट यू एक्स कर दो एट एक्सटेंशन एक्स और कंप्रेशन एक्स, सो दिस इज योर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। चेक कर लो बच्चों, दिस इज योर इलास्टिक पोटेंशियल, जैसे एमजीएच, मैं फिर कह रहा हूं कि ये बातें हमने सारी क्रैम की हुई है लेकिन बेसिक रूल मुझे पता होना चाहिए कहां से आई है, ये बेसिक रूल मुझे पता होना चाहिए, ठीक है चलो इसको भी करते हैं, इसके लिए न्यूमेरिकल करते हैं तभी बात बनेगी बच्चा जी, देखो इसको, ठीक है चलें आगे। अगेन मैंने क्या कहा, यहां से एक्सटेंड किया, पहले छोटा वर्कडन बीच में कहीं है, उसके बाद और बढ़ाया तो ये वर्कडन आ गया सारे के लिए, जीरो टू एक्स बन गया, बता चुका हूं अगर अप्लाइड फोर्स होगी तो ये इसकी वैल्यू, देखो स्प्रिंग फोर्स और उसमें अप्लाइड थोड़ा सा ही फर्क है
कि स्प्रिंग फोर्स हमेशा अंदर को काम करती है, दैट इज एफ एस, और ये फोर्स आपने अप्लाई, सॉरी यहां नहीं है, यहां आएगी, दैट इज एफ एस, और ये आपने अप्लाई की है एफ। वैल्यू के एक्स ही है, मैग्नीट्यूड के एक्स है दोनों का, अगर अंदर कर रहे बात तो माइनस के एक्स बन गया, सीधी सी बात है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि एफ अंदर को एक्स बाहर को है, एक दूसरी डायरेक्शन अपोजिट है, वहां से भी ला सकते हो, माइनस एक ही आएगा, मतलब चाहे इसका मैग्नीट्यूड पूरा मान लो माइनस के एक्स, एफ एस डी एक्स कर दो, और चाहे आप एंगल डायरेक्शन वाइज बात कर लो, ये अंदर को, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का के एक्स, अगर मैं वेक्टर वाइज बात कर रहा हूं तो मैग्नीट्यूड दोनों का के एक्स है, क्योंकि व्हाट इज ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एस आएगा, वो भी के एक्स है, डिस्प्लेसमेंट एक्स है, कॉस 180, फिर वहां से माइनस आ जाएगा, एक ही बात है आपकी, ठीक है बच्चा जी। तो चलो आगे चलते हैं, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट, हाँ जी, स्मॉल के इज इक्वल टू 250 न्यूटन पर मीटर, 250 न्यूटन पर मीटर का इसका कांस्टेंट है भाई। कहते हैं कैलकुलेट वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग स्प्रिंग फ्रॉम 1 मीटर टू 2 मीटर, कैलकुलेट वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग फ्रॉम 1 मीटर टू 2 मीटर, ये कैलकुलेट करो भाई। कहता है लो जी क्या बताया अभी आपको, W स्प्रिंग इज इक्वल टू, हाँ जी रूल क्या हो जाएगा, 0 x1 टू x2 एफ डी एक्स, ये स्प्रिंग फोर्स आएगी यहाँ पर, तो माइनस के एक्स डी एक्स x1 टू x2, ये बन जाएगा माइनस हाफ के, सॉरी दो स्टेप करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, माइनस हाफ के एक्स केयर बाय टू x1 टू x2 इज इक्वल टू माइनस के, राइट क्या आ जाएगा बच्चा जी, x2 स्क्वायर बाय 2 माइनस x1 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस हाफ के x2, कहां जाना अभी मुझे, 2 पर जाना है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस हाफ के 4 माइनस 1 हाफ माइनस के इज 250 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 375 जूल, चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो बच्चों, उससे भी कर सकते थे, थ्योरम से भी कर सकते थे, व्हाट इज W कंजर्वेटिव, माइनस UF माइनस UI, यही पढ़कर आए हैं। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, अभी की है मैंने, UX बराबर है हाफ के एक्स स्क्वायर, अभी कर आता हूं मैं, लो जी लगा दो इसको, माइनस व्हाट इज UF फाइनली, 2 पे जाना चाहता हूं, हाफ के इंटू 2 का स्क्वायर माइनस हाफ के इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है जी, आराम से काम करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे बिल्कुल, माइनस हाफ 250 गुना 4 माइनस हाफ 250 माइनस 1000 बटा 2 500 माइनस 125, आपकी मर्जी है, चाहे आप बेसिक मेथड से कर दो और चाहे आप उसको उससे कर लो, थ्योरम से कर लो, कहीं से कर लो, दोनों तरफ से रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा आपका, चेक कर लो बच्चों, कोई डाउट हो आपको, सारे प्रोसेस में कोई डाउट हो आपको। मैंने कहा स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट दिस मच एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस टू दिस मींस स्ट्रेच्ड या इलॉन्गेटेड फ्रॉम दिस टू दिस, एक तो मैंने किया आपका AB इनिशियो मेथड, जो मेरा बेसिक आर्टिकल का मेथड था, वर्क डन बाय अ स्प्प्रिंग, ये कर कर आया मैं, जो मैंने आर्टिकल लेक्चर 2 है मेरा वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस वाला, वहां से किया मैंने इसको, ये मैंने आज बताया आपको, वर्क डन इज योर चेंज इन, क्या है ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला ये किया मैंने पहले, इज इट क्लियर। चलो रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट बच्चा जी, रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने क्या कहा है, जो कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स
displaces the body from one configuration to another without imparting it any velocity. यही तो कहा है मैंने, क्या कहा था कि आपकी बॉडी यहां थी, यहां से उठाकर यहां ले गए, बस यहां भी यहां से उठाकर ले गए, वहां जाके रख दी, वेलोसिटी कहां आई बीच में? चाहे उसको आप स्लोली ले जाओ, चाहे 10 दिन के बाद ले जाना, क्या दिक्कत है? प्रेशर एनर्जी चेंज हो, व्हाट इट मींस, कहा है मैंने ये, तो व्हाट इज डब्ल्यू कंजर्वेटिव? अभी तो कहा आपने माइनस एफ डॉट डी आर, अभी तो कहा है वर्कड बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इज इक्वल टू माइनस यू एफ माइनस यू आई. वट इज वर्डन? अभी तो कहा आपने एफ कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव वर्डन है, ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन है, इज इक्वल टू माइनस यू एफ माइनस यू आई. अगर स्मॉल चेंज की बात करेंगे तो इसको माइनस डी यू लिख सकता हूं बेटा जी मैं, डी यू. अगर स्मॉल चेंज की बात करनी है तो इधर इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, यहां पर भी ये एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर आ जाएगा बच्चा जी, या सिंपल डी आर, क्योंकि सेम डायरेक्शन की बात करनी है. तो व्हाट इज एफ कंजर्वेटिव? माइनस डी यू बाय डी आर. ये दोनों में रिलेशनशिप है भाई, ध्यान रखना. एफ कंजर्वेटिव सी ओ एन एस डॉट इज इक्वल टू, ये दोनों में रिलेशनशिप है, यही मेरी थ्योरम है. ये अभी मैंने न्यूमेरिकल भी किए हैं एफ कंजर्वेटिव वाले, इसको ढंग से लिख देता हूं थोड़ा सा मैं, मैंने न्यूमेरिकल भी किए अभी ये. मैंने कहा अगर स्मॉल चेंज की बात करनी है, इधर डी यू इंटीग्रेशन खत्म हो गया, व्हाट इज माय एफ कंजर्वेटिव? माइनस डी यू बाई डी आर. अगर मुझे थ्री डायमेंशन की बात करनी है वेक्टर फॉर्म में, इज इक्वल टू आई डी यू बाई डी आर प्लस जे डी यू बाई डी आर प्लस के डी यू बाई डी आर, और माइनस साइन बाहर आ जाएगी बच्चा जी यहां पर माइनस. ये वन डायमेंशन में है और ये आपका थ्री डायमेंशन में है, क्योंकि आर क्यों लिखा है? जनरल लिखा है, इट कैन बी एक्स, इट कैन बी वाई, इट कैन बी जेड, वहां तीनों लिखे मैंने, सॉरी यहां तीनों लिखे मैंने, डी एक्स डी वाई और डी जेड. यहां तो आपके हिसाब से चलेगा जो भी होगा, वो एक्स होगा एक्स, वाई होगा वाई, जेड होगा जेड. अब मैंने क्या किया, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेस, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, की पोटेंशियल एनर्जी मेरी वेरी कैसे कर रही है, जैसे मैं ऊपर गया था अभी कैसे वेरी कर रही है, उसका ग्राफ प्लॉट किया मैंने. तो रिलेशन के लिए आप ये देखो कि मैंने क्या लिखा है मेरा बच्चा, कंजर्वेटिव फोर्स डिस्प्लेसेस द बॉडी फ्रॉम वन कॉन्फिगरेशन टू अनदर विदाउट इंपार्टिंग इट एनी वेलोसिटी. और मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरे पास बॉडी यहां पड़ी हुई है, मैं इसको उठा के ऊपर ले गया और यहां जाके रख दी, वेलोसिटी यहां भी जीरो, वेलोसिटी यहां भी जीरो, चेक कर लो. तो मेरी जो आपकी कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, उनका काम है आपकी बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाना. लेकिन अगर क्योंकि वेलोसिटी भी आ जाएगी तो कुछ काम आपका काइनेटिक फॉर्म में उधर यूज हो जाएगा. तो मुझे टोटल क्या चाहिए, पोटेंशियल वाला काम चाहिए मुझे, कोई डाउट हो बच्चा? अब मैंने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट किया. लो जी, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ की बात कर रहे हैं. This is suppose point A, point B, point C, point D or point E, right? This is your potential energy. This is your distance or displacement. अगर हम AB, BC की बात करें, पहले BC की बात करते हैं. BC. What is? या पहले AB की बात करो, कोई बात नहीं. AB की बात करनी है मुझे, फिर BC की बात करनी है, फिर DE की बात करनी है. तीनों लिख लो, पहले तीनों लिख लेता हूँ. इसकी इसकी और इसकी बात, क्योंकि ये मेरा डाउनवर्ड आ रहा है, ये अप जा रहा है और ये स्लोप है बी सी. हाँ जी, व्हाट इज स्लोप?
मीन्स डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू पॉजिटिव कॉमा एफ क्या हो जाएगी बच्चा नेगेटिव क्योंकि एफ होता है माइनस डी यू बाई डी आर। ठीक है जी, नेगेटिव फोर्स मीन्स अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। पोर्शन ए बी स्लोप क्या आ रहा है आपके पास, स्लोप मीन्स डी यू बाई डी आर क्या है बच्चा नेगेटिव है, इट मीन्स एफ क्या है बेटा पॉजिटिव, मीन्स ये फोर्स कौन सी आ गई आपकी रिपल्सिव फोर्स आ गई है। डी ई स्लोप मीन्स डी यू बाई डी आर बराबर है जीरो, तो एफ बराबर है कोई फोर्स नहीं यहां पर, पहली बात, पहली बात इसमें डाउट हो बच्चा। अब वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव प्लस में बता दो कैसे आई है, जब हम कहते हैं कि दो पार्टिकल है दोनों के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है एक, दोनों पे चार्ज क्या होगा माइनस और प्लस चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहा हूं दो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये वाला होगा माइनस माइनस, दो प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ये भी रिपेल करते हैं ये भी रिपेल करते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं, ये तो मालूम है मुझे मेरा बच्चा जी, इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा इनका भी, क्योंकि माइनस 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 क्या होता है बच्चा जी पॉजिटिव, प्लस प्लस तो पॉजिटिव होता ही है, तो नेगेटिव फोर्स होगी तो अट्रैक्टिव होगी वो, चेक कर लो दिस इज द बेस्ट वे टू यू कैन से रिमेंबर, अगर पॉजिटिव होगी तो रिपल्सिव फोर्स होती है, पहली बात कोई डाउट हो बच्चा देख लो। चले आगे, अब उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करो बेटा जी सेम लेवल के ऊपर, इस पॉइंट को नाम लिख दो जे, इसको के, इसको ए, एक पॉइंट बी के दो पॉइंट लिए मैंने दो आइदर साइड के ऊपर, एक का नाम जे दिया एक का नाम के दिया, जे पे फोर्स कौन सी है ए बी के ऊपर फोर्स कौन सी है पॉजिटिव, स्लोप चेंजेस एट जे सॉरी एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी स्लोप चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड फोर्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फोर्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव मीन्स पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड टुवर्ड द पॉइंट, पहले पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है हम बढ़कर आए हैं कि वेन पार्टिकल मूव अवे तो एक नेगेटिव मीन्स टुवर्ड द मेन पोजिशन अगेन, ये तो है टुवर्ड मेन, ये भी इसको वापस खींच रही है, तो मीन्स पार्टिकल विल बी एट पॉइंट बी, ये मतलब निकल गया इसका, when slope changes from negative to positive your force changes from positive to negative mean your particle is being accelerated toward point b, c की बात करें वहां क्या k और l है, ये slope आपका positive है negative है तो point c हां जी क्या होगा slope changes from positive to negative, what it means Your force changes from negative to positive means particle आगे जाने की कोशिश कर रहा, force changes from negative to positive what it means your particle is trying to move away, आपका particle दूर जाने की कोशिश कर रहा है, negative का मतलब यह है मेरा बच्चा जी that is particle is directed अवे फ्रॉम सी कि इससे दूर जाएगा, यहां मतलब यह दैट इज पार्टिकल इज एक्सलरेटेड टूवर्ड्स बी, तो यहां पर तो पार्टिकल टूवर्ड बी एक्सलरेट हो रहा है यहां पार्टिकल अवे जा रहा है, इट मीन्स दिस इज पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम दिस इज पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एट पॉइंट, एक पॉइंट सपोज कर लो बीच में ये एच एट पॉइंट एच एट पॉइंट एच, इसके दोनों तरफ पॉइंट मान लो एक पॉइंट एम मान लो एक एन मान लो, ये एम है और ये एन है, चाहे एम की बात कर लो चाहे एन की बात कर लो फोर्स तो जीरो ही है, तो जहां है वहीं पड़ा रहेगा एट पॉइंट एच, नो फोर्स मींस न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, हां जी बच्चा जी ठीक हो गया देख लो, तो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है ये आपका अनस्टेबल है और ये आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, कंडीशन वही रहेंगी
ये आपका मिनिमा हो गया, ये मैक्सिमम वाली कंडीशन रहेगी और ये न्यूट्रल वाली होगी है। तो अगर आपको कोई सिचुएशन दी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले du बाई dx निकालो, अगर वो जीरो आ रहा है तो या तो वो ये पॉइंट है या वो ये पॉइंट है, फिर उसका डबल डिफरेंशिएट करो, अगर तो वो पॉजिटिव आ रहा है तो ये पॉइंट है, नेगेटिव आ रहा मींस लेस देन जीरो आ रहा है तो ये पॉइंट है, अगर du बाई dx और डी स्क्वायर बाई डी दोनों ही जीरो आ रहे हैं तो ये पॉइंट है। वहां फिर हम ऐसे काम करेंगे जब पोजिशन निकालेंगे इनकी, अभी पोजिशन भी निकालेंगे इनकी, अभी पोजिशन भी निकालेंगे इनकी, लेकिन इससे पहले एक काम और करना मुझे, ये समझ आ रही है बात, एक काम इससे पहले और करना है मुझे, वो ये करना है बच्चों, मैंने ग्राफ प्लॉट किया बच्चा, उसमें बहुत सारी वेरिएशन आ रही है कि पहले ये आ गया मेरे पास, फिर ये आया, फिर ये आ गया, ठीक है हाँ ऐसे कर लो, ऐसे बनाया मैंने, एक ये पॉइंट बन गया, एक ये पॉइंट बन गया, एक इससे नीचे बनाओ थोड़ा सा ऐसे लाइक दिस। आप कह रहे हैं ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ये सॉरी 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 बच्चा सॉरी सॉरी दोबारा लिख रहा हूं मैं, आप कह रहे हो ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है, ये लिख रहे हो बेटा, चेक करो चेक करो, यहां पर तो जो स्टेबल है, अभी आपने कहा कि अनस्टेबल की एनर्जी ज्यादा होती है, यहां तो स्टेबल की ज्यादा आ रही है आपकी अनस्टेबल से, तो क्या फिर मैंने ठीक मार्किंग की है ये, या गलत की है मार्किंग? मैंने जब भी आपके स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को लिखना है तो मुझे लोकल मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है, इसके पास कौन सा है, बादल नहीं चेक करने मुझे, तो ये बिल्कुल ठीक मार्किंग की है मैंने, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कहीं वहां पर आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि भी जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की एनर्जी हमेशा ही ज्यादा होगी, मुझे अपना लोकल मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना है, ये इसका मिनिमम है, ये इसका मैक्सिमम है, यहां की बात करेंगे ये मिनिमम और ये मैक्सिमम है, दैट विल बी अनस्टेबल, तो मुझे लोकल मैक्सिमम मिनिमा चेक करने, ना कि ये चेक करना है जो मैक्सिमम एनर्जी वाला होगा वो मिनिमा होगा मींस अनस्टेबल होगा और मिनिमम वाला मेरा स्टेबल, ये चेक नहीं करना मुझे। तो कोई डाउट उसके अंदर आपको? देख लो बच्चों, देख लो बच्चों, लो जी अब न्यूमेरिकल करते हैं इसको क्लियर करने के लिए। लो जी पोटेंशियल एनर्जी, varies with the distance as, हाँ जी उसने दिया मुझे u is equal to, क्या दिया उसने बोला ऐसे कर लो, varies as u is equal to, उसकी जो वैल्यू थी आपके पास कुछ मान लो चलो x square minus 8x, ऐसे वेरी कर दिया भाई x square minus 8x, ठीक है बच्चा। फाइंड पोजिशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा या टाइप ऑफ मैक्सिमम, दोनों बातें पोजिशन में निकालनी है और वो स्टेबल है या अनस्टेबल, दोनों बातें करनी है। क्या बताया हुआ आपको, डी यू बाई डी एक्स निकालो, सबसे पहले क्या बन जाएगा वो 2x माइनस 8, जीरो होना चाहिए फॉर मैक्सिमम मिनिमा, इट मीन्स 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू, भाई पहली बात तो x इज इक्वल टू 4 पे बनेगा, अब ये नहीं मुझे पता कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल है, तो क्या बताया हुआ है इसको डबल डिफरेंशिएट करो, डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चा जी 2, क्या ये ग्रेटर देन 0 है, व्हाट इट मींस पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मिनिमा मींस स्टेबल इक्विलिब्रियम। हां जी बच्चों जी कुछ समझ आ रही है बात, मैंने कहा है यू बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे वेरी कर रही है मेरी, मुझे ये बताना है कि मैक्सिमा और मिनिमम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा या अनस्टेबल बनेगा और कहां बनेगा, तो मैंने कहा पहले इसको डिफरेंशिएट करो, दैट इज 2x माइनस 8, फिर क्या इसको जीरो पुट करो, यहां से x 4 आ गया, अब मुझे ये नहीं पता ये पॉइंट किस चीज का है, मैंने क्या कहा इसको डबल डिफरेंशिएट करो, अगर वो मोर देन जीरो आएगा तो मिनिमा का पॉइंट होता है ये, मिनिमम मींस नीचे चला गया, नीचे मींस स्टेबल इक्विलिब्रियम बन गया। डाउट हो बच्चों, एक और करें, लो जी देख लो इसके अंदर
यूएक्स इज इक्वल टू 12x - x³, ये मान ले रहे हैं एग्जाम्पल। लो जी, वट इज डी यू बाई डी एक्स? 12 - x² तो डी यू बाई डी एक्स बराबर है, जीरो कर दो बच्चा जी, तो क्या आ जाएगा ये x² बराबर, सॉरी 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 3x², सो 3x² माइनस 12 बराबर है जीरो, x² बराबर है 4, x इज इक्वल टू +-2। दो पॉइंट आ गए भाई, दो पॉइंट आ गया, तो x इज इक्वल टू +2 और x इज इक्वल टू -2। पहले x +2 पे बात कर लेते हैं। लो जी, निकालो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, कितना बनेगा बच्चों, 0 माइनस 6x, यहां पर भी यही बनेगा, वो तो सेम ही रहेगा ना मेरा बच्चा जी, टी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -6x, यहां पुट करो x +2, तो व्हाट इज डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा -12, क्या हो जाएगा ये लेस देन 0, लेस देन 0 मीन्स मैक्सिमम बनेगा, मैक्सिमम इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यहां बात आ जाओ, तो ये -2 है बच्चा जी, सो व्हाट इज डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या बन जाएगा ये +12 बन जाएगा, मीन्स ग्रेटर देन 0 बन गया, मीन्स पॉइंट ऑफ मिनिमा बन गया, मिनिमम मीन्स आपका क्या बन गया बच्चा जी, ये दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। दो पॉइंट थे इसके अंदर, चेक कर लो इसको भी, कोई डाउट हो इसके अंदर। हाँ जी बच्चा, मैंने क्या किया आपका, मैंने ये बताया है सबसे पहले कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या चीज। इट इज नॉट सिंपली बॉडी उठाया ऊपर रख दिया, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ये तो बड़ी रफ मैन और ले मैन की लैंग्वेज है। सबसे पहले ने मैंने ये बताया कि पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी बॉडी की नहीं होती, हमेशा सिस्टम की होती है। नंबर टू, पोटेंशियल एनर्जी को हम तभी जस्टिफाई कर सकते हैं अगर हमने सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात की है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर अगर वो सिंपली इसको डिस्प्लेस कर रही है बॉडी को और कुछ कोई मोशन नहीं दे रही उसके अंदर, तब मैं कहूंगा कि ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है मुझे यहां पर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली, दैट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज ओनली। जहां पर मेरे पास कंजर्वेटिव फोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है, वहां पोटेंशियल एनर्जी आपकी आएगी नहीं। फिर मैंने कहा, मैंने वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम की कि जितना भी आप कंजर्वेटिव फोर्स से काम करवाओगे वो सारा अपनी पोटेंशियल एनर्जी की कॉस्ट पे करके देगा आपको, वो एनर्जी उसकी कम होती रहेगी साथ साथ सारी। वहां से फिर मैंने आपके ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के आपके क्या निकाले, एक्सप्रेशन निकाले, वहीं से उसी को यूज करके, उसी वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम को यूज करके, वो प्लस माइनस सारे यूज किए मैंने, वो माइनस प्लस सब यूज किए। फिर मैंने ये कहा लास्ट के अंदर आके कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है आपस में, वो मैंने आपको यूज करना सिखाया। अगर हम अपनी सिंपल बुक्स पढ़ रहे हैं तो वहां ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी की, एमजीएच निकाल देना, निकाल दोगे आप, क्या दिक्कत है, स्प्रिंग की बात करेगा हाफ के अक्सर आप निकाल दोगे। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए मुझे पोटेंशियल एनर्जी की सेंस को समझना ही पड़ेगा, यहां तक पहुंचने के लिए मुझे पोटेंशियल एनर्जी की सेंस को समझना ही पड़ेगा। कोई डाउट हो यहां तक आपको, मैं फिर कह रहा हूं न्यूमेरिकल्स बहुत बनेंगे, बहुत बनेंगे, बहुत बनेंगे। मैंने तो आपको बेसिक लेवल आपका सारा क्लियर किया है कि कैसे मुझे पोटेंशियल एनर्जी यूज करनी है, कैसे मुझे काम करवाना, ये सारी बातें मैंने की है मेरा बच्चा। ठीक हो गया, राइट, क्लियर इसके अंदर। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अभी देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था, मैं जो को अपने, मेरे पास बहुत सारी एनर्जीज हैं, मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, मुझे सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी है, उसकी दो एनर्जी है, काइनेटिक और पोटेंशियल। अभी दोनों को अलग अलग डिस्कस किया मैंने, अभी दोनों को जोड़ूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब जाके मेरी मैकेनिकल एनर्जी को शेप मिलेगी, मैंने एनर्जी पढ़नी कौन सी थी और क्या पढ़ा मैंने अभी तक, राइट मेरा बच्चा जी। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो, काम करो, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।